अल्लाह ताला के फजल करम के साथ आज के व्लॉग को करते हैं शुरू। और उससे पहले जिन जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, उन लोगों से रिक्वेस्ट है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर करें, साथ ही साथ बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कर दें, और ताकि हमारी आने वाली तमाम वीडियोज आप तक टाइम से पहुंचती रहें और आप हमारी वीडियो से एंटरटेन होते रहें। सो आज जो मैं आपके लिए वीडियो लेके आए हैं वो बड़ी स्पेशल है, और ये वाली वीडियो मैंने फर्स्ट टाइम बनाई है। वीडियो का जो आज का सीन है वो ये है कि मैं कार रिव्यू आपके लिए आज लेके आया हूँ, जो है कल्टस 2021 मॉडल। तो चले हैं, सबसे पहले मैं आपको उसका 360 व्यू दिखाता हूँ, उसके बाद आपको उसके कुछ स्पेक्स बताता हूँ। तो चले आए सबसे पहले 360 व्यू के लिए। सबसे पहले जी हम लोग अपनी जो वीडियो है वो स्टार्ट करते हैं गाड़ी के फ्रंट के साथ। गाड़ी का फ्रंट आप लोग देख सकते हैं, ये इसकी फ्रंट ग्रिल, फ्रंट पे सुजुकी का लोगो क्रोम में और साथ मैट ब्लैक में इसकी फिनिशिंग की हुई इन्होंने फ्रंट ग्रिल की। और ये नीचे भी मैट ब्लैक में ग्रिल है, नीचे बम्पर में फॉग लाइट्स, ये आप देख सकते हैं इसकी दोनों साइड पर फॉग लाइट्स भी हैं, और इसकी आप हेडलाइट देखें, हेलोजन लाइट्स हैं, उसके अंदर पार्किंग लाइट भी है और इंडिकेटर भी हैं दोनों साइड पे, आप देख सकते हैं बिल्कुल ऐसे है। साइड पे भी इंडिकेटर दिया गया है, ये इसके साइड मिरर्स आप देख सकते हैं बॉडी कलर के साथ, ये बहुत एक अच्छा इनका जो है काम है। फिर ये हैंडल बार, डोर हैंडल बार जो है ये भी देखें बॉडी कलर के हैं, सब डोर्स के साथ ऐसे ही है। अब आप इसकी बैक साइड पे आ जाएं तो जो इसकी ट्रंक है उसका भी इन्होंने जो हैंडल है डोर हैंडल वो भी बॉडी कलर का दिया है। ये है कल्टस VXL, और आपको मैं साथ साथ बताता चलूं कि VXL और जो VXR है इसमें सिर्फ और सिर्फ ये इतना फ़र्क है कि इसमें ये मैनुअल है और वो ऑटो है, AGS जिसे कहते हैं कल्टस VXR AGS। ये VXL मैनुअल है, और यहाँ ऊपर भी ब्रेक लाइट दी गई हैं, और इसमें ABS। और अब आपको मैं इसके टायर्स दिखाता हूँ, 14 इंच के टायर हैं, और इस पर जो टायर का रिम 14 इंच का है, और जो इस पर टायर का साइज़ है वो है 165/65R14/7090। ये मेड इन पाकिस्तान है, यूरो टाइकन का इस पर टायर लगा हुआ है। और अब मैं आपको इसका इंजन दिखाता हूँ, तो चलिए आपको मैं अब इसका इंजन दिखाऊँ। ये है जी इसका इंजन, 3 सिलेंडर इंजन है, और आप इसकी पैकिंग चेक कर सकते हैं, ये ज़बरदस्त सुजुकी ने काफ़ी अच्छी इसमें जो है ना चीज़ें की हैं, जो नई मॉडल की कल्टस आई है ना उसमें काफ़ी ज़्यादा चेंजिंग आई हैं। और ये इसकी पैकिंग आप देख सकते हैं, ये इसमें ड्राई बैटरी लगी हुई है, और आप इसका इंजन ये अंदर से भी देख सकते हैं सारा। ये 990 cc, और डॉक्यूमेंट्स में ये 1000 cc जो है ना लिखी जाती है, ठीक है, देख सकते हैं आप। अब जी हम आप लोगों को लेके आए हैं इसकी बूट स्पेस दिखाने के लिए। ये है इसकी बूट स्पेस, ये ऊपर उन्होंने सेपरेशन दी हुई है, आप इसको हटा भी सकते हैं। जो इसकी है बूट स्पेस नॉट सो स्मॉल नॉट सो बिग, बस ठीक है, मतलब कि आप इसमें एक बैग बड़ा रख सकते हैं इजीली। तो साथ इसकी देख सकते हैं क्या कुछ है, एक एक्स्ट्रा टायर भी है, और इसके साथ इसकी वो जैक पाना वगैरह, टूल किट मुझे अभी इसमें नज़र नहीं आ रही, बहरहाल ये एक टायर इसमें दिया हुआ एक्स्ट्रा। इसकी आप बैक लाइट्स भी देख सकते हैं, LED लाइट्स नहीं हैं, सिंपल हेलोजन लाइट्स हैं दोनों साइड पे ऐसी हैं। ये वाली लाइट भी आप देखें हेलोजन लाइट है, और शेप काफ़ी इसकी खूबसूरत है, पहली कल्टस से ये वाली कल्टस मच बेटर। अब हम इसकी अंदर से सीटिंग कैपेसिटी चेक करते हैं, और अंदर से इसका इंटीरियर भी मैं आप लोगों को चेक करवाता हूँ। फाइनली जी अभी हम गाड़ी के अंदर आके बैठे हैं, और इसका जो इंटीरियर है
मतलब कि अगर आप इसको पिछली कल्टस के साथ कंपेयर करें तो इंटीरियर इसका बहुत खूबसूरत है, टू टोन कलर है, ब्लैक एंड ग्रे, और इसमें साथ 7 इंच की LCD भी है। उसके बाद आप ये देख सकते हैं इसमें पावर विंडो भी इन्होंने कर दिया है और मिरर, साइड मिरर की एडजस्टमेंट भी इन्होंने अंदर कर दिया है। रिट्रैक्टेबल नहीं है बहरहाल, लेकिन ये है कि आप इसमें अंदर से बैठ के इसकी साइड मिरर की एडजस्टमेंट कर सकते हैं। उसके बाद ये लाइट भी है अंदर, और माइक इसका आई थिंक इसके अंदर ही लगा हुआ है, हाँ LED के अंदर ही है। अक्सर गाड़ी में इधर ऊपर भी लगाता है, उससे ये होता है कि आपकी जो ब्लूटूथ की कनेक्टिविटी है कॉल सुनते वक्त वो बहुत अच्छी हो जाती है, जिनका इस इधर आता है। अभी इसका यहाँ पे लगा हुआ, उसका मुझे अब अंदाज़ा नहीं है कि यहाँ पे इसकी क्वालिटी कैसी है। उसके बाद इसमें साइड डोर्स में स्पीकर्स दिए गए हैं, पिछले डोर में भी स्पीकर्स हैं लेकिन अब वो पता नहीं उसमें जगह बनी हुई है, लेकिन ये नहीं पता कि अब स्पीकर उसमें हैं या नहीं है। उसके बाद ये थोड़ी सी स्पेस दी है, यहाँ पे अपना सामान वगैरह रख सकते हैं। इसमें मुझे सबसे ज़्यादा जो कमी लगी है ना वो ये है कि इसमें वो नहीं है, आर्मरेस्ट नहीं है, ये थोड़ी सी कमी है। उसके बाद जो सबसे अच्छी इन्होंने सुजुकी ने बीच में जो काम किया है, इसमें एयरबैग दिया है, एक एयरबैग यहाँ पे है ड्राइविंग साइड पे और एक एयरबैग यहाँ पे पैसेंजर साइड पे, चलो कम से कम ये तो आया ना इसमें। उसके बाद जी यहाँ पे वो नहीं है, अक्सर गाड़ी में यहाँ पे वो आता है शीशा लगा होता है, वो नहीं है इसमें, चलो कोई बात नहीं। और जो इसका ये प्लास्टिक है, ये हार्ड प्लास्टिक है, यहाँ पे भी हार्ड प्लास्टिक है, लेकिन फिनिशिंग अच्छी की हुई इन्होंने इसकी। तो उसके बाद अगर आप लेग स्पेस की बात करें तो मेरा जो कद है वो है, मेरी हाइट 5'11" है, बल्कि 5'11" से ज़्यादा 6 पूरी होगी। तो अगर मैं इसकी सीट को फुल बैक पे करके बैठूँ तो मैं कंफर्टेबल बैठा हूँ, लेकिन जो इस साइड से है ना, ये यहाँ से आप थोड़ा सा अनकंफर्टेबल होते हैं, लेकिन फिर भी काफ़ी अच्छी इसकी ना सीटिंग है। तो ये इन्होंने 2 कप होल्डर दिए हुए हैं, और यहाँ दरवाज़ों में भी इन्होंने थोड़ी बहुत स्पेस दी है कुछ चीज़ें रखने के लिए। उसके बाद उस साइड पे भी है, पैसेंजर साइड पे भी सेम उसी तरह स्पेस दी हुई है, और सीट पे लेदर नहीं लगाया हुआ, फैब्रिक लगाया हुआ है, लेकिन उसकी भी क्वालिटी अच्छी है। और इसकी जो पैडिंग है सीट की कंफर्टेबल है, मैं ये इधर बैठा हुआ इस पे ड्राइविंग सीट पे, और इसकी जो पैडिंग है बहुत सही है, मतलब कि कम्फर्टेबल हूँ मैं। तो अभी आप लोगों को मैं बैक साइड से भी बैठ के दिखाता हूँ कि बैक साइड पे इसकी कितनी स्पेस है और कंफर्टेबल बंदा बैठता है, वो मैं आपको पीछे जाके दिखाता हूँ। ये मैंने ड्राइविंग सीट को फुल पीछे किया था अपने हिसाब से, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मेरे पास बिल्कुल भी जगह ना वो नहीं रही। छोटी हाइट के जो बंदे हैं उनके लिए ठीक है, लेकिन मेरे हाइट के जो बंदे हैं उनके लिए जगह ज़रा कम है। पीछे भी आप देख सकते हैं यहाँ पे कप होल्डर दिया हुआ है, और पिछली से जो विंडो हैं वो भी पावर हैं, और स्पीकर्स के आप देख सकते हैं इन्होंने यहाँ पे दिया हुआ है, लेकिन मुझे ये पता नहीं कि बैक साइड पे स्पीकर लगा हुआ है, लेकिन जगह दी है इन्होंने। और उसके बाद आप ये जो इसका हेड स्पेस है वो भी देख सकते हैं, ठीक है, ना ज़्यादा कम है ना ज़्यादा, ना बहुत ही ज़्यादा है, ठीक है। उसके बाद इन्होंने इस पिछली साइड पर सीट बेल्ट भी दी है, ये भी अच्छी है। इसमें यह कि 3 अडल्ट्स आराम से, इजी नहीं मतलब बैठ सकते हैं, अगर आपने 2 अडल्ट और एक बच्चा करे तो फिर आप कंफर्टेबल पीछे बैठ सकते हैं, 3 अडल्ट्स आप फंस सकते हैं पीछे। तो ये आप देख सकते हैं गाड़ी, ओवरऑल जी गाड़ी मुझे तो ये पसंद आई है। तो आप लोगों को भी अगर पसंद आई है तो आप लोग कमेंट्स बॉक्स में मुझे बताएं, और अगर किसी भाई को गाड़ी चाहिए हो नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जो आप उस नंबर पर कांटेक्ट करें। इसके अलावा भी आपको किसी किस्म की गाड़ी चाहिए हो उस नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं, आपको हर किस्म की गाड़ी वहाँ से अवेलेबल हो जाएगी। तो अपने भाई को दीजिए इजाज़त, दुआ में याद रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।